भारतीय संसद का इतिहास गौरवशाली रहा है, ये हम सब जानते हैं। संसद ने जहां बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मंच दिया, तो वहीं गुलामी से लेकर आजादी का सफर भी तय किया। और इतना ही नहीं, 2001 में वो दौर भी आया जब देश के लोकतंत्र इस मंदिर पर आतंकियों ने कायराना हमला किया। आजादी के 76 साल बाद एक नजर डालते हैं संसद से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर। अगस्त 1947 संसद के सेंट्रल हॉल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण। पंडित नेहरू के ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वाले ऐतिहासिक भाषण का गवाह बना पुराना संसद भवन। 96 साल के सफर में संसद के इस पुराने भवन ने कई उतार चढ़ाव देखे। आजादी का सूरज देखने से लेकर देश का संविधान लिखने तक संसद का यह पुराना भवन कई मायनों में खास रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान बनाया। तब से आज तक देश और देशवासियों के हित में कई कानून बने, कईयों में संशोधन हुए। विपक्ष और सरकार के बीच भले ही संसद सियासी अखाड़ा बनी हो, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे बड़ा हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। जब संसद भवन का सामना देश के दुश्मनों से हुआ था, जब आतंकियों ने हमला कर संसद भवन को लहूलुहान करने की कोशिश की थी, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा संसद भवन परिसर थर्रा उठा था। हमले में 8 सुरक्षा कर्मी समेत कुल 14 लोग शहीद हुए थे। आतंकी संसद भवन में सुरक्षा की खामियों का फायदा उठाकर घुस तो आए थे, लेकिन वापस जिंदा नहीं लौट सके। आतंकियों ने देश के लोकतंत्र के इस मंदिर को डिगाने की लाख कोशिश की, लेकिन संसद भवन अपने गौरवशाली अतीत को लेकर शान से पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। आज अपने इस विरासत को नई संसद भवन को यह सौंपने जा रहा है। जिस संसद भवन ने देश के भविष्य को सजाया संवारा, नए भारत की तकदीर लिखी, उसकी ऐतिहासिक इमारत न सिर्फ कारीगरी का बेजोड़ नमूना है, बल्कि इस ऐतिहासिक भवन को संरक्षित रखना राष्ट्रीय महत्व का विषय है। और संसद भवन के इसी विरासत को ठीक वैसे ही संरक्षित रखा जाएगा जैसे पिछले 96 सालों से रखा गया है। टीम न्यूज नेशन, हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। इनके सर, मेरा तो 11 सालों का जो अनुभव है वो आज खत्म हो रहा है। वो